नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो आज का व्लॉग भी मैं शुरू कर रही हूँ, और हम पिछले कल ही वापस आ गए थे घूम फिर के, क्योंकि कल का व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थके हुए थे, ट्रैवल करना था। तो बस कल तो बस ट्रैवल ही करा और शाम को वापस पहुँचे, तो काफ़ी थक गए थे। तो बस वो कल का तो रेस्ट डे था। तो आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़, कि जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बोला भी था कि हमने शिफ्ट हो ही जाना है, तो आज हम जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि क्या जाना तो है। तो अभी अभी भी इनकी इनकी चल रही है थोड़ी बहुत पैकिंग, जो रह गया था सामान वो हमने आज लेके जाना है। और उससे पहले मैंने जाना है एक लेडी को मेहंदी लगाने के लिए, मेरी बुकिंग है। तो मैंने सोचा कि साथ साथ ब्लॉग भी बना ही लेती हूँ। तो अभी इनकी चल रही है पैकिंग और हो गया रेडी, और साथ में लेट भी हो गए हैं, और हमारे पास इतने ज़्यादा बैग है फिर से जाने के लिए, और ये भी है। क्यों इतने बैग? आप वजह से इनका सामान ही इतना ज़्यादा होता है, कभी कुछ भूल है। बदतमीज लोग जो जूते लगा के चढ़ जाते हैं बेड के ऊपर। चढ़ना पड़ता है जी, तुमने चप्पल लगाई थी खुद चढ़ी ऊपर। आपने मुझे तो बोला ही नहीं। चॉकलेट का रैपर डस्टबिन में डाल दो, ये नहीं भाई जहाँ पे खाई वहीं फेंक दी। कुछ मैनर सीखो। खाएं? नहीं जी, देख ले कोई मौका है ये तो। ब्रश किया आपने? रेडी? ले चले आ? ले चलो। पहनने के बाद हमारा लड़का मूड होता है। वो तो सुपर मना मूड होता है, मैं तो नहीं हूँ। क्या? सुपर मना मूड हो रहा हूँ। मैं तो ऐसे जाने के आने का। सोए सोए। अंशु मेरा फोन दियो। अब आ गए हम कुछ खाने, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। क्या हुआ? छुट्टी के जाने में काम चल रहा है। बज गए शाम के 5:30, 6 बज गए। तो अभी हम पहुंचे हैं और हम जा रहे हैं कि चलोगे क्या? कौन से फ्लोर पे? टॉप। तो ये सामने वाला पहले इनका रूम होता था, और इसी के साथ लिया है हमने रूम। ऐसी अलमारी थी परले रूम में भी, अच्छे वाली थी है ना? क्या लगा? जब उस दिन आए थे थोड़ी बहुत सेटिंग कर ही लेते, कैसे दिख रहा है सारा सा। करने के बारे में जाना है।
तो यहाँ पे कुछ भी सेटिंग नहीं करनी और सोने का ये हम चिज्जी लाने। फोटो तो ऑरेंज वाला लेस कहाँ पे हमारा रूम। तो आज हम सेटिंग नहीं कर पाए क्योंकि हम बहुत लेट पहुंचे और थक गए थे। तो अभी हम जा रहे हैं इनके दोस्त के रूम डिनर डेट पे, मतलब इनके पुराने लोग, इनके पुराने रूम। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और जैसे मैंने बताया था कि सामने ही है रूम और हम यहाँ रह रहे हैं। तो अभी हम उनके यहाँ जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमारे पास डिनर डेट पर बुलाया, पर मेरे को ये नहीं पता कि अभी खाना मेरे को ही ना बनाना पड़े जाके वहाँ। तो अभी हम जा रहे हैं, मिलते हैं उनके रूम में। तो जो यहाँ पे पार दिख रहा है ना, कल से दारू बंद, ये वाला रूम है इनके दोस्तों का, इनका पुराना रूम। तो भी हम आ जाएंगे। खुश हो गया का? नमस्ते भैया जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया। बोलोगे आप कुछ? व्लॉग में आ रहे हैं आप? व्लॉग में आ रहा हूँ मैं यार, व्लॉग में बदलो यार, कुछ नहीं लग रहा हूँ यहाँ पे। देख रहे हैं क्या क्या नया है। और खुश भैया का? ये भी आ रहा है सामान लेने के लिए। क्या बन रहा है? देखो कैसा खुश हो रहा है मेरी बस। वाह जी वाह, चंडीगढ़ वाली हरियाणा रोड पे जाए। नमस्ते भैया। हाँ जी पार्टी होगी जी, मैरिज होगी जी, कदों दे रहे हैं जी? दस कितना ज्यादा व्लॉग बनाया हका के ना, तेरा फोन का हका के 40 है, तेरा ही 40 है, मेरा ही 40 है। खाने नहीं बना रहा, खाना निकल रहा है। ऐसा कहते कि मैंने इतना अच्छा खाना बनाया। ये इस बंदे ने नहीं बनाया, ये इसने बनाया। मेरे को गुस्सा हेलो, मेरे को दाल तो कम चाहिए थी, आप ले लो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये देखो हमारे फैन फॉलोइंग, हमारी फैन फॉलोइंग इतनी सारी, ये देखो।
भी हुई है हमारी सुबह, और अभी हमने करनी है सबसे पहले रूम की सफाई, क्योंकि खाना भी तभी बनेगा। तो अभी तो सारे में फैला हुआ है, वगैरह करती हूँ साफ। बस बस राज्य मार्ग वो कॉपीराइट क्लेम आएगा। पानी खुला था यार, फिर थोड़ा तंगी में रहना पड़ेगा। तो है खुला खुला है। और उसके चार्जेस कितने, एक्स्ट्रा चार्जेस कितना पानी यूज करोगे? कर लिए किचन वगैरह सेट, अलमारी भी हो गई, बेड भी हो गया, इन सफाई वगैरह तो हमारी ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो अब बनाना है हमने, क्योंकि हमने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया हुआ है। अगर इतना बुरी हालत हो गई, शक्ल भी मेरी देख ही सकते हो कि कैसी जैसी होगी अभी। तो अभी बनाना है मैंने ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हम बनाएंगे परांठे, और क्योंकि हमारा लंच भी समझे ही हो रहा है, क्योंकि 12 बजे वाले हैं, नहीं बज गए हैं 12। तो अभी बनाऊंगी मैं ब्रेकफास्ट। ये गए हुए अभी दूध लाने के लिए नीचे, तो अभी मैं बनाऊंगी परांठे, तब मैंने उसके बाद थोड़ा फ्रेश भी होना है। खुद खा लिया चिमटा ही नहीं है। शाम के 6, और अभी तक हम लोगों के बस सोने का ही काम था कि हम थके हुए थे। तो अभी हमने जाना है मार्केट, क्योंकि हमारा कुछ एक सामान रह गया था और प्याज भी नहीं है, खाना भी तो बनाना है। तो अभी हमने जाना है पहले मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेके आना, फिर बनाना है मैंने रात का डिनर। तो चलो चलते हैं मार्केट। जमीन भी देख लेना, तब तो वहाँ दूर नहीं हो जाएगा हमारे को चलने के लिए। यहाँ की मार्केट लगती तो ये थोड़ा मेला जैसा है, पर ये यहाँ की मार्केट ऐसी लगती है। हम जाएंगे सब्जी मंडी बोलते इसको। अच्छा सब्जी मंडी बोलते इसको, तो मेरे को क्या पता। तो मतलब यहाँ पे लगती है सब्जी मंडी रात को। तो भी हम जाएंगे यहाँ पे, हमारा थोड़ा बहुत सामान था वो लेके आना है हमें। ब्रश ले लिया एक, ये वाला नहीं यार, ये वाला लो यार, ये नहीं होते भैया। मैट कैसे यहाँ 10 का रोल मिलता है एक। लेके आई हूँ अभी, तो ये सामान आया अभी हमारा। तो अभी मैं सोचूँ कि अब अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ, क्योंकि सुबह से बर्तन भी कुछ ऐसे ही पड़े हुए थे और मैट भी नहीं थे, तो मैट भी लेके आए। तो फिर अभी चुप रहो। ये लाए हम 10 रुपए के मोमोज, 10 के 5 मोमोज, लेकिन 20 रुपए के स्प्रिंग रोल।
खाने का तो ठीक है यार, यहाँ पे सिस्टम सारी सेटिंग तो हो गई थी, बट मैंने सोचा कि यहाँ पे एक दीवार बहुत गंदी है तो उसको पेंट कर दें, तो ये काम शुरू हो गया है। हाँ यार है ना, तो ये होगी है पेंटिंग डन। आज का दिन तो हमने बहुत ज्यादा काम करा, तो अभी हम गए थक, और अपने ब्लॉग को भी मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के साथ जल्दी मिलूंगी, और कंटेंट अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ हो तो हमें कमेंट जरूर करें, हम वो वाली वीडियो बनाएंगे, कोई प्रैंक वीडियो कोई कुछ भी हो तो मैं जरूर ट्राई करूंगी एक बार। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय। ओ शिट, ये नंगा है।